हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सो रेंज कैप्सूल के बारे में, यानी डेक्सो रेंज कैप्सूल के डोज, यूज एंड साइड इफेक्ट के बारे में, और क्या स्पेशल प्रिकॉशन रखनी चाहिए उसके बारे में। और यदि फ्रेंड आप वीडियो पे नए हों और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो, बहुत ही ज़्यादा थकान हो, भूख नहीं लगता हो, वजन जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो, और किसी प्रकार की यदि शारीरिक कमजोरी उसे हो, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उस दवा के बारे में सीखेंगे जो इन सभी बीमारियों को ठीक करती है। आयरन तथा मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन का कैप्सूल, और इस कैप्सूल को आप डेक्सोरेंज के नाम से जानते हैं, ये जो है दवा का ब्रांड नेम है। ये कैप्सूल फ्रेंको इंडियन कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये आपको कैप्सूल तथा सिरप दोनों फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम केवल कैप्सूल के बारे में ही जानेंगे। डेक्सोरेंज सिरप के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में हम जानेंगे डेक्सोरेंज कैप्सूल जो है उसका क्या कॉम्बिनेशन रहता है, क्या क्या स्ट्रेंथ इसके अवेलेबल हैं, क्या क्या इसके यूज रहते हैं, सार से जानेंगे, और डेक्सोरेंज के अलावा क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आपको इसके मिल सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और कितनी मात्रा में इसको लेना है, कितने दिनों तक लेना है, जिससे आपको प्रॉपर डिजायर इफेक्ट आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो डेक्सोरेंज कैप्सूल के अगर कंपोजिशन की बात करें, में फेरिक अमोनियम सिट्रेट 160 mg एंड विटामिन 12 से 7 mcg, फोलिक एसिड 0.5 mg, सल्फेट 20 से 61 mg के कॉम्बिनेशन में ये कैप्सूल आता है। कैप्सूल आपको ग्लास पैक में मिलेगी और एक बॉटल में 30 कैप्सूल ही रहता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये कैप्सूल आपको 155 MRP में मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर डेक्सोरेंज कैप्सूल की यूज की बात की जाए, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो डेक्सोरेंज कैप्सूल जो है एक हिमाटेनिक कैप्सूल है, जो मुख्यतः खून को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, अन्य भाषा में उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन तथा RBC की कमी हो जाती है, इससे व्यक्ति बहुत ही कमजोरी महसूस करता है, उस समय यह डेक्सोरेंज कैप्सूल डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट यूज है, साथ ही जो महिला है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो, भी ये दवा दी जाती है। कोई महिला है जिसको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, से खून की कमी हो गई हो, डेक्सोरेंज कैप्सूल दी जाती है, बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा खून बह गया हो, एक्सीडेंटल के कारण उसका खून ज़्यादा बह गया हो, रिकवर करने के लिए ये डेक्सोरेंज कैप्सूल दिया जाता है। पेशेंट हो और वो कुपोषण का शिकार हो, जो है बहुत ज़्यादा कम है, में डेक्सोरेंज कैप्सूल बहुत ही फायदेमंद है, अच्छी दवा है और बहुत ही पुरानी दवा ये डेक्सोरेंज कैप्सूल है। अब जान लेते हैं डेक्सोरेंज कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो डेक्सोरेंज कैप्सूल के ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, पर कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। व्यक्ति को वोमिटिंग हो सकता है, यानी उल्टी हो सकता है, और स्टूल का कलर जो है ब्लैक हो सकता है, एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में मरोड़ आना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं डेक्सोरेंज कैप्सूल के। तो अगर बात की जाए डेक्सोरेंज कैप्सूल की डोज की, यानी पेशेंट को कितनी मात्रा में ये दवा दी जानी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। डेक्सोरेंज कैप्सूल के एडल्ट डोज की बात की जाए, तो इसको एक कैप्सूल खाने के लिए दिया जाता है। इसको आप पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं, और इस कैप्सूल को आपको खाने के बाद ही खाना रहता है। अगर कोई और पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो या खून की कमी हो गई हो, तो उसको सुबह शाम एक कैप्सूल दे सकते हैं, या ड्यूरिंग द फूड दिया जा सकता है। डेक्सोरेंज कैप्सूल के ड्यूरेशन की बात की जाए, यानी डेक्सोरेंज कैप्सूल जो है उसको कितने दिनों तक खाना रहता है, उसके बारे में बात की जाए, तो इस कैप्सूल को आप 1 महीने 3 महीने तक आप रेगुलर ले सकते हैं, एक कैप्सूल पर डे। डेक्सोरेंज कैप्सूल जो है वो प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग दोनों में सेफ है, और जितनी अच्छी आप डाइट लेंगे उतनी अच्छी आपको
जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है उसका फायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।